तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब मेरे भाई, आज के इस वाले वीडियो के अंदर ना हम लोग बात करने वाले भाई बहुत ही शॉर्ट स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी है भाई यूरोप में एक बच्चा रहता था। आज मैं उसी स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि यह आज इस दुनिया में नहीं है। बट भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, तो भाई अगर आप लोग फैमिली के साथ देख रहे हो तो या डेफिनेटली देखो, बट अगर बगल में ईयरफोन है तो लगा सकते हो, मतलब फील आ जाएगा आप लोगों को। तो अगर बगल में ईयरफोन रखा हो तो यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं है, आखिर ईयरफोन यूज़ करने के लिए ना है, तो इसमें मतलब हो सके तो लगा लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में वैसा कुछ सीन नहीं है कि आप लोगों को प्राइवेट में देखना हो, तो या आप फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेरे भाई देखो, अगर और भाई यहाँ पहले ही बता दूँ कि अगर आप मतलब फ्री फायर पूरा दिन खेलते हो और आपके फैमिली मतलब गुस्सा है आपके फ्री फायर मतलब खेलने से, तो भाई ये वीडियो फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि अगर ये वीडियो के बाद अगर आपके फैमिली वाले पर पीछे रहे ना आपके, तो भाई उसके बाद आपको फ्री फायर खेलने के लिए या फिर कोई भी गेम खेलने के लिए फ़ोन नहीं मिलने वाला है। तो फैमिली के साथ मत देखना, नहीं तो गेम खेलने के लिए फ़ोन भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। और मेरे भाई चलो मतलब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो मेरे भाई ये स्टोरी होता है यूरोप के अंदर, मतलब यूरोप में एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है। अब इस बच्चे मतलब ज़्यादा कुछ खास बड़ा बच्चा नहीं होता, मतलब बच्चा मतलब उतना भी छोटा बच्चा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक एवरेज बच्चा जो कि मतलब 6th या फिर 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होता है, ठीक है। और भाई उस टाइम मतलब नया नया मतलब 2018 का मैं बात कर रहा हूँ, या फिर शायद 2019 की स्टोरी है। तो वो जो बच्चा होता है वो मतलब फ्री फायर गेम को मतलब अपनी मम्मी के फ़ोन पे खेला करता था, ठीक है। मतलब उसकी मम्मी का जो फ़ोन था ना उस पे खेला करता था, और वो मतलब बहुत मतलब पूरा एडिक्ट हो चुका था गेम के अंदर, मतलब पूरा पागल था गेम के लिए। मतलब देखो, वो स्कूल जैसे स्कूल जाता था ना, तो स्कूल को जाने से पहले फ्री फायर खेलेगा, बस फ्री फायर खेलेगा स्कूल जाने से पहले। उसके बाद जब स्कूल से छुट्टी होगी घर पे आएगा, सबसे पहले मतलब नहीं, हम लोग देखो जैसे हम लोग का एवरेज रूटीन क्या होता है, स्कूल गए, स्कूल से घर पे आए तो मतलब खाना वाना खाए, फिर फ़ोन वोन लिए, फिर चलाए यूज़ किए, ठीक है। बट भाई उसका क्या सीन था ना, मतलब जब तक स्कूल बस आके हॉर्न नहीं बजा रहा मतलब गेट पे, तब तक बंदा वो फ्री फायर खेलेगा। और जब मतलब स्कूल से आएगा आते के साथ फ़ोन, मम्मी मतलब चिल्ला रही है खाना खाओ बेटा खाना खाओ। मतलब उसके जो पापा थे वो आर्मी में थे, तो उसके पापा जो थे मतलब आर्मी में थे, तो आप समझ ही सकते हो ना, घर पे तो नहीं होंगे ना। और भाई मम्मी की बात कौन ही सुनता है भाई, मैं तो लिटरली नहीं सुनता, आप कुछ नहीं सुनते और मुझे लगता है आप भी नहीं सुनते हो। मतलब सुनने का बात ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मम्मी का बात मतलब पानी मांगती है तो पानी मत देना, ऐसा ही नहीं, मतलब बात सुनने का मतलब समझ सकते हो आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब मुझे लगता है आपके साथ भी होता है ऐसा। तो होता क्या था ना कि वो मम्मी का बात थोड़ी सुनेगा भाई, कोई बच्चा मम्मी का उतना बात नहीं कोई सुनता, बहुत बच्चे सुनते भी है बट बहुत लोग नहीं सुनते मेरे भाई। तो हुआ क्या था कि उसके मतलब स्कूल से आता था और फ्री फायर खेलने में लग जाता था लौंडा। तो एक दिन क्या होता है, मतलब एक दिन होता क्या है ना कि उसके पापा को मतलब छुट्टी मिलती है एक महीने के लिए, हॉलीडे पे आते हैं घर। तो अब उसका मतलब ये नहीं, बच्चों का छुट्टी नहीं मिला हुआ था, बच्चा को तो भाई स्कूल इसका तो चल ही रहा था जैसे रेगुलरली चलता है। और मेरे भाई, ओ भाई, मैं अभी जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ना, मतलब जहाँ पे मैं बैठ के, एक बार बस ये वाला सीन देखो, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताता हूँ भाई, एक बार बस ये सीन देखो आप। ओ भाई अचानक से तूफान आ गया यहाँ पे, लगता है स्टोरी भाई तूफान को भी सुनना, मतलब भाई मतलब मैं यहीं पे वीडियो बनाता हूँ, खुला स्पेस है ना, तो मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के वीडियो यहाँ पे बनाता रहता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हो क्या ही मौसम है। ओ सॉरी, मैं टॉपिक से बैठा गया यार, तो दोस्त हो ना आप मेरे, आपके साथ तो भाई ऐसे ही बात करूंगा ना। तो देखो स्टोरी में क्या होता है, और भाई देखो मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरा भी दिमाग हल्का अलग ही दिशा में बैठता है। तो होता क्या है, उसके पापा जो है वो घर आते हैं, तो वो जो बच्चा होता है वो तो भाई सुबह से लेकर रात तक उसका जो टाइम है ना वो फ्री फायर या फिर गेम्स खेलते ही कर जाता है। मैं फ्री फायर बात करूंगा क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है भाई वो फ्री फायर का ऑडियंस है, तो मैं तो भाई फ्री फायर के बारे में बात करूंगा ना। तो होता क्या है कि वो जो बच्चा है भाई मतलब अब पूरा मतलब फ्री फायर के पीछे एडिक्ट हो चुका था। अब भाई पापा को तो सबको पता है ना पापा कैसे होते हैं, मतलब पापा के सामने आप बैठ के गेम नहीं खेल सकते मेरे भाई। आप खेलते होगे मुझे नहीं पता, बट भाई मैं पापा के सामने बैठ के गेम नहीं खेल सकता, और बहुत सारे लोग भी नहीं खेल सकते, तो ठीक है। तो अब वो जो बंदा था, अब छोटा सा बच्चा भाई पापा के सामने तो बैठ के गेम खेलेगा ही, और पापा भी कुछ नहीं बोलते थे उसको। तो भाई अब देखो वो बंदा 3-3, 4-4 घंटे गेम खेला करता था, तो उसके पापा क्या किए कि उससे फ़ोन छीन लिया, ठीक है। पापा बोले अब तुमको फ़ोन नहीं मिलेगा, अब तुमको बस मतलब सुबह और शाम को फ़ोन मिलेगा। अब वो क्या करना था, अब उसको क्या करना था कि उसको मतलब अपना इलीट पास का जो मिशन होता है ना
उसको वो मिशन कंप्लीट करना था। अब भाई मिशन कंप्लीट करना था, वो बंदे का पूरा हालत खराब, अब किसी भी तरीके से फोन के लिए पूरा पागल हो गया, पूरा पागल हो गया। तो उसके पापा मतलब देख रहे थे उसको, फोन मतलब दे देते थे, फिर मतलब फोन ले लेते थे बहुत ज्यादा। मतलब वो बंदा पूरा एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगा। मतलब जैसे पापा जैसे बाहर सब्जी लेने गए तो मतलब छुट्टी बता रहे हो, पापा जैसे उसके छुट्टी में आए ना घर पे, तो मतलब पापा सब्जी लेने गए बाजार में, तो ये क्या करता था कि मम्मी से फोन मांगता था, मम्मी मतलब पूरा मम्मी से लड़ाई करने लगता था। मतलब भाई 6-7 साल का बच्चा, अब 6-7 साल का भी नहीं होगा, कितना बताया था भाई, कितना एज था, मैं एज शायद भूल गया, शायद से नहीं भाई 15-16 साल का था शायद से, 6 साल मैं क्या ही बोल रहा हूँ, 15-16 साल का था। मम्मी से पूरा एकदम लड़ाई करने लगता था कि नहीं फोन दो, मतलब पूरा मतलब जैसे होता है ना कि जैसे हम लोग कोई एनिमी से जैसे लड़ते हैं, वैसे पूरा एकदम लड़ रहा था कि नहीं मुझे फोन दो, कुछ भी करके ऐसे करके पूरा मतलब लड़ते रहता था पूरा। मतलब मम्मी जैसे ही पापा जाते थे, फिर पापा आते थे तो बहुत मतलब पापा उसको मारने भी लगे थे। पहले तो पापा नहीं रहते थे, आर्मी में थे, तो भाई पापा उसको मतलब मारते भी थे कि क्यों उतना खेलता है, ऐसे मत करो, बहुत घर पे डांट सुधरा, फिर भी वो बंदा नहीं सुधरा। तो एक दिन उसके पापा मतलब क्या किया ना, एक दिन मतलब पानी सर से ऊपर चढ़ गया। अब ये मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, अब सुनो, मतलब अभी भाई देखो मैं कोई प्रोफेशनल पोएट तो हूँ नहीं कि मतलब आप लोगों को पूरा फीलिंग के साथ बताऊंगा, भाई मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना, मतलब धीरे धीरे इंप्रूव होगा मेरा स्टोरी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो भाई अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर देना, और भाई न्यू हो तो प्लीज यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो मतलब पानी सर से ऊपर चढ़ गया था उसके पापा का, ठीक है। तो उसके पापा जो नहीं चाहते थे कि अब ये ज्यादा गेम खेले, तो वो क्या किए ना कि एक हैकर को अपॉइंट किए। अरे यार मैं अपॉइंट ये सब बोलते हैं मुझे बहुत ऑकवर्ड सा हमको खुद फील आता है। तो उसके पापा जो होते हैं ना, वो एक हैकर को अपॉइंट किए कि मेरा बेटा जब गेम खेलेगा ना तब उसको तुम मार देना, मतलब जब भी वो उतरे ना तो तुम भी उसी टाइम मैच में जाना और उसके मैच में जाकर उसको मार देना। तो वो उसके बेटे को मतलब जब भी रैंक्ड गेम खेलता था ना तो उसको मार देते थे, बेचारे को बहुत ज्यादा माइनस लग जाता था। तो वो मतलब पूरा एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब पूरा उसके बाद हैक वैक सब करने लगा। मतलब भाई समझ रहे हो, 16-17 साल का लड़का है, 15-16 साल का लड़का है, हैकिंग वैकिंग करने लगा, वो भी मतलब हैक वैक करने लगा, और मतलब वो हैकर फाइट हो जाता था, तो वो भी मतलब हैक वैक करने लगा और बहुत ज्यादा गलत सीन हो रहे थे। तो मतलब एक दिन जब उसके पापा को पता चला कि अब बेटा मतलब मेरा पूरा हाथ से चला गया, तो एक दिन उसके पापा जो गुस्से में क्या किया ना, तो उसको एक रूम में बंद कर दिए पूरे दिन के लिए, अंदर खाना वाना दे दिए, कहे कि तब तो पूरा दिन अंदर रहा, तेरे को मतलब भाई कुछ भी अब खाने को नहीं मिलेगा। अब भाई पापा को तो पता ही नहीं यार, पापा भले ही बाहर से कितना भी आप पे गुस्सा करे, अंदर से बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। तो मेरे भाई आधे घंटे के बाद गेट खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं अंदर कि वो जो बच्चा था ना जो 15-16 साल का था भाई, वो अंदर बंदा पूरा बेहोश पड़ा हुआ है। पापा लोग पूरा शॉक्ड, पूरा एकदम हॉस्पिटल लेके गए, क्या हुआ, मतलब पूरा गलत सीन होने लगे कि क्या हुआ क्यों ऐसा हो गया। तो देखे कि अंदर कोई बेहोश हो गया था पूरा, तो मतलब पूरा पानी वानी चढ़ा उसको, मतलब तब जाके होश में आया, मतलब भाई गेम के लिए बेहोश हो गया, समझ रहे हो आप लोग, गेम के लिए बेहोश हो गया बंदा। तो पानी वानी चढ़ा उसके बाद फिर ठीक हुआ। उसके बाद भी फिर उसके पापा सोचे कि नहीं यार हमको इसका गेम जो है वो नहीं बंद करना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा लेकिन देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर लोग भी मना किया था कि इसको गेम कम खेलने के लिए दे, ज्यादा गेम खेलेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसके पापा भी समझ गया कि अब हम क्या कर सकते हैं ना। तो उसके पापा क्या करते थे कि ज्यादा देर नहीं खेलने के लिए देते थे, बट भाई वो तो बंदा पूरा पागल रखा था। फिर उसके पापा क्या किए, मतलब देखो यूरोप का जो देश होता है ना उसके मतलब गाड़ी बाहर गराज रहता है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके पापा गुस्सा में क्या किए कि फोन तो मतलब फोन उठाए और गराज में फेंक दिए, ठीक है। तो और मतलब फोन टूटा नहीं, बट उसके पापा को लगा कि फोन टूट गया, ठीक। अब वो जो गराज था ना वो क्या था, एक मतलब पूरा एयरलेस था। अब एयरलेस का मतलब अंदर हवा बहुत कम जाता था, मतलब गराज अगर बंद हो जाता था पूरा एयर टाइट हो जाता था। और वो क्या किया, मतलब शाम के टाइम मतलब पापा गुस्सा में फोन गैराज में फेंक दिए और उसके बाद वैसे ही छोड़ दिए। और वो क्या था कि रात मतलब अंधेरा था ना, जैसे ही मतलब हल्का शाम हुआ वो बंदा उस टाइम सुन लिया वैसे ही, और उसके बाद रात के अंधेरे में दौड़ते हुए गया और फोन उठा के और जो कार था कार के अंदर घुस गया और अंदर से गेट लॉक कर लिया। और उसके बाद भाई रात भर गेम खेलते रहा। अब इसके जो पेरेंट्स थे ये लोग सोच रहे थे कि मेरा बेटा जो रूम में जाके सो रहा है, ठीक। अब वो लोग क्या किए, गैरेज वगैरह सब बंद कर दिया, पूरा गैरेज में एयर टाइट। अब वो क्या ही करते मेरे भाई, अब वो बंदा गाड़ी के अंदर मतलब दम घुट गया और वो या समझ ही सकते हो क्या हुआ। तो भाई ये गलत सीन हो गया, तो क्या ही कर सकते हैं। तो बस मेरे भाई आज के इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही। और मेरे भाई अगर आप भी बहुत ज्यादा गेम खेलते हो तो भाई गेम खेलो, मैं ये नहीं कर रहा भाई कि गेम छोड़ दो यार, गेम छोड़ो मत, खेलो तुम भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई
इस बंदे की तरह नहीं कि पूरा एडिक्ट ही हो जाओ। तो बस मेरे भाई आज के इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, और बस बाय बाय, टेक केयर।